दिनेश, इस सप्ताह आप गुस्से पर कंट्रोल करें। अचानक कुछ नया करने का मन बनेगा, लेकिन अन्य कामों में बिजी होने के कारण सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। दोस्तों और परिवार से मदद मिल सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में नीच राशि में चंद्रमा होने से आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। उत्तेजित स्वभाव के कारण किसी तरह का नुकसान हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात भी होने के योग है। पुराने दोस्तों से भी मिलेंगे। इस हफ्ते आप जिस काम को करने की सोच लेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बड़े काम और बड़े सपने पूरे करने की कोशिश में लगे रहेंगे। इसके लिए भी आपका समय अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने के नए मौके भी इस हफ्ते मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। माता पिता और संतान के साथ संबंधों को लेकर उतार चढ़ाव आ सकते हैं। लव इन दिनों में लव पार्टनर को दोस्तों और परिवार से मिलाने के लिए समय अच्छा है। करियर में उतार चढ़ाव भी रहेगा। वर्तमान काम में मन नहीं लगेगा। नए काम की तलाश फिलहाल ना करें। कार्यस्थल पर खुद पर कंट्रोल रखें। आपका स्वभाव अपने ही लिए दुश्मन पैदा कर सकता है। हेल्थ पुराने रोग परेशान कर सकते हैं। सावधान रहे, मौसमी बीमारियां भी हो सकती है। वृष काम में मन नहीं लगने से परेशान रहेंगे। मेहनत ज्यादा रहेगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने में सावधान रहे। टेंशन और काम नहीं होने से चिड़चिड़ापन रहेगा। दोस्त या परिवार वालों ने आपसे कोई वादा किया हो तो हो सकता है वो पूरा ना हो। इस आपको धैर्य से काम लेना होगा। पॉजिटिव ही रहना होगा। करियर में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। आर्थिक फायदा भी होगा, लेकिन धन जितनी तेजी से आएगा वैसे ही खर्च भी हो जाएगा। परिजन या किसी करीबी व्यक्ति की तबीयत भी बिगड़ सकती है। सप्ताह के आखिरी दिनों में रुके हुए कुछ काम होने की संभावना है। इस सप्ताह लव लाइफ से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेने से बचे। पार्टनर के लिए समय निकालें। करियर स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है। करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी खास इंसान से मुलाकात हो सकती है या मार्गदर्शन मिल सकता है। इस हफ्ते के शुरुआती दिनों में किसी को उधार पैसा भी ना दे। रुका हुआ पैसा भी मिलने के योग कम है। हेल्थ वाहन से सावधान रहे। पैर में चोट लग सकती है। नींद की कमी और बदन दर्द रहेगा। मिथुन, इस हफ्ते शनि और राहु केतु के कारण आप थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर फालतू गुस्सा ना करें। कामकाज में व्यस्त रहेंगे। इन दिनों में लोगों का सहयोग कुछ कम ही मिलेगा। ये 7 दिन थोड़े उतार चढ़ाव वाले हो सकते हैं। आपको अचानक फायदा और नुकसान दोनों हो सकता है। इन दिनों में किसी भी खास काम में जोखिम ना लें और जल्दबाजी से भी आपको बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है। स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा का मौका भी इन दिनों में मिल सकता है। ऑफिस में चला आ रहा काम निपट सकता है। इन दिनों में आपको लेकर किसी को गलतफहमी भी हो सकती है। इस हफ्ते आखिरी दिनों में आपको योग्यता और प्रतिभा से ही सफलता मिल सकती है। पैसों या संपत्ति के मामलों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। इस सप्ताह पार्टनर आपके गुस्से का शिकार हो सकता है। वाणी पर संयम रखें। घर से बाहर या अन्य लोगों का गुस्सा पार्टनर पर निकालने से बचें। करियर ग्लैमर से जुड़े लोगों के लिए समय अच्छा है। स्टूडेंट्स को प्रतियोगी परीक्षा में आसानी से सफलता मिलेगी। इन दिनों में कोई खास काम साथ वाले लोगों से शेयर ना करें। हेल्थ अगले के रोग से परेशान हो सकते हैं। चोट भी लग सकती है। संभल कर रहे। कर्क, इस हफ्ते आपको सफलतादायक समाचार मिल सकते हैं। दुश्मनों पर जीत मिल सकती है। कहीं घूमने की योजना बन सकती है। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। इस हफ्ते इनकम के साथ आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। कामकाज निपटाने के लिए दौड़ भाग हो सकती है, लेकिन काम पूरे होंगे और उनसे फायदा भी होगा। मांगलिक कार्यक्रमों का योग बन रहा है। समाज में सम्मान मिलेगा।
इस हफ्ते आपको किसी तरह की गलतफहमी भी हो सकती है। कर्क राशि की महिलाएं अपने परिचितों के बीच सौंदर्य का बखान ना करें। इस हफ्ते प्रॉपर्टी संबंधी खास मामले पूरे हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में कुछ अच्छे मौके भी मिल सकते हैं। लव लाइफ से जुड़े कुछ खास फैसले इन दिनों में हो सकते हैं। लव इस राशि वालों को पार्टनर के साथ मांगलिक काम निपटाने होंगे। लव लाइफ के मामलों में आप सुखी रहेंगे। क्रियर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को महत्वपूर्ण सफलता मिलने के योग नहीं है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस संबंधित यात्राओं का योग भी बन रहा है। धन लाभ हो सकता है। हेल्थ सेहत के मामले में समय अच्छा रहेगा। ये 7 दिन आपके लिए अच्छे हैं। सिंह सोचे हुए कुछ काम निपटाने में सफलता मिल सकती है। कामकाज तो बढ़ेगा लेकिन सफलता भी मिल सकती है। सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होने से इन दिनों में सावधान रहना चाहिए। इन दिनों में आपको छोटी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इस सप्ताह एक दो बार आप भावनाओं में भर अपने लिए समस्या भी पैदा कर सकते हैं। जिस काम या वस्तु के कारण आपके मन में कुंठा की स्थिति बनती हो उसे त्याग दें। इस सप्ताह सूर्य वृश्चिक राशि में होगा जो कि गोचर कुंडली के चौथे भाव में रहेगा। सूर्य के प्रभाव से आपको मानसिक तनाव रहेगा और फालतू दौड़ भाग हो सकती है। ऑफिस या फील्ड के सोचे हुए कुछ काम पूरे नहीं होने से आपका मूड खराब हो सकता है। सिंह राशि के कुछ लोगों का मन कामकाज में नहीं लगेगा। अपने मन को जितना हो सके संतुलित रखने की कोशिश करें। कुछ कठिन या लिखापढ़ी का काम इस सप्ताह सफलता से पूरा हो सकता है। लव लाइफ के लिए सप्ताह के बीच का समय शुभ कहा जा सकता है। प्रेम संबंध भी इन दिनों में मजबूत हो सकते हैं। करियर कॉमर्स में करियर बनाने वालों को सफलता मिलेगी। मेडिकल छात्र भी इस सप्ताह सफल होंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे और नई योजनाओं पर काम होगा। हेल्थ सिंह राशि वालों के लिए इस सप्ताह सेहत के मामले में उतार चढ़ाव भरा भी हो सकता है। कन्या इन 7 दिनों में संभल कर काम करें। जोखिम भरे कामों को टालने की कोशिश करें। विरोधी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आपको नुकसान नहीं होगा। कामकाज और बिजनेस के लिहाज से इस सप्ताह के आखिरी 2-3 दिन आपके लिए ज्यादा सकारात्मक हो सकते हैं। इस सप्ताह किसी काम को लेकर रुकी हुई बात पूरी हो सकती है। आपको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल सकती है। ऑफिस में कोई काम आपकी मदद से सुलझेगा और आपकी तारीफ भी हो सकती है। कोई आपको चुनौती दे तो धैर्य रखें। इन दिनों में फालतू झमेलों में पड़ने से बचें। लव लाइफ के मामले में यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। इन दिनों में पार्टनर आपसे प्रेम और सुख की अपेक्षा रखेगा। अविवाहित लोगों की लाइफ में नया व्यक्ति भी आ सकता है। क्लियर मेडिकल स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी सफलता मिलने के योग है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय अनुकूल हो सकता है। जोखिम भरे निवेश से बचना होगा। हेल्थ कन्या राशि वालों को सेहत के मामले में सावधान रहना होगा। इस राशि वालों को पितृरोग भी हो सकते हैं। तुला बिजनेस में अच्छा फायदा हो सकता है। इस सप्ताह की शुरुआत धन भाव के चंद्रमा से होगी। आपको दोस्तों का सहयोग मिलेगा। भोग विलास के साधनों पर भी खर्चा हो सकता है। दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। महत्वपूर्ण पद भी मिल सकता है। सप्ताह की शुरुआत से ही आपको एक्टिव रहना होगा। इन दिनों में भाग दौड़ भी रहेगी। आपको नई जानकारियां मिलेंगी। आपकी मानसिक तैयारी और दक्षता दूसरों को भी प्रेरित करेगी। किसी मीटिंग में आप बहुत सफल रहेंगे। आप हर काम को बारीकी से निपटाने की कोशिश करेंगे। लव पार्टनर से सहयोग मिलेगा। आपका मन प्रसन्न रहेगा। इच्छाएं भी पूरी होगी। तुला राशि वालों के लिए यह सप्ताह शुभ रहेगा। क्लियर इस राशि के स्टूडेंट्स को कुछ ज्यादा ही मेहनत करनी होगी। बिजनेस में बड़ा फायदा होने के भी योग बन रहे हैं। इन दिनों में फायदे वाले सौदे भी हो सकते हैं। हेल्थ सेहत के मामलों में सावधान रहे। बदन दर्द की समस्या हो सकती है। इन दिनों में पुराने रोग भी परेशान कर सकते हैं।
वृश्चिक यह हफ्ता शुद्ध रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, संतान से सुख मिलेगा, दोस्त और साथ काम करने वाले लोग मदद करेंगे, आमदनी बढ़ने के योग है, दुश्मनों पर जीत मिलेगी। इन 7 दिनों में मिलने वाली सफलता से आप खुश हो सकते हैं, नए आइडिया आपके दिमाग में आएंगे, बहुत से पेंडिंग काम इस हफ्ते पूरे हो सकते हैं। कोई व्यक्ति भूल से आपका विरोध भी कर सकता है, लेकिन उसकी अव्यावहारिकता खुलकर सामने आ जाएगी। इन दिनों में आपकी राशि के लिए सूर्य और मंगल की स्थिति शुद्ध हो सकती है, जिसके प्रभाव से आपके रोजमर्रा के काम समय से पूरे होंगे, आपको सहयोग मिलेगा। इन 7 दिनों में आपको धन लाभ भी हो सकता है, लव पार्टनर के साथ ज्यादातर समय बीतेगा, आपकी लव लाइफ के लिए भी यह सप्ताह शुद्ध रहेगा, करियर कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। वृश्चिक राशि के कुछ विद्यार्थियों को अच्छी सफलता भी मिल सकती है, इन 7 दिनों में आपकी इनकम बढ़ेगी और दुश्मनों पर जीत मिलेगी, धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। हेल्थ, इन दिनों में आपको वात रोग हो सकते हैं, भोजन में भी सावधानी रखें। धनु, कोई नया काम करने का विचार बन सकता है, इस सप्ताह की शुरुआत गोचर कुंडली के खर्च के भाव में स्थित चंद्रमा से होगी, न्यायालयीन मामलों में विजय मिल सकती है, तनाव खर्चा और भागदौड़ भी रहेगी, शरीर में दर्द या किसी तरह की तकलीफ भी हो सकती है, रहस्यमय शक्तियों के प्रति रुचि बढ़ सकती है। इन दिनों में घर और परिवार के खास मामलों को लेकर कुछ सवाल आपके दिल दिमाग में रहेंगे। वृश्चिक राशि का सूर्य आपको इन 7 दिनों में परेशान कर सकता है, इन दिनों की मेहनत से आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा जरूर हो सकता है, खरीदारी और निवेश के सवालों पर विचार हो सकता है, पैसों के क्षेत्र में आपके ज्यादातर फैसले सही भी हो सकते हैं, आपको धन लाभ के मौके मिल सकते हैं। लव, इस राशि के लोग सप्ताह के शुरुआती दिनों में लव पार्टनर से कोई बड़ा वादा ना करें, करियर व्यावसायिक विषयों को पढ़ने वाले छात्रों को आसानी से सफलता मिल सकती है, ये दिन धनु राशि वालों के लिए अच्छे रहेंगे, नए कामकाज से धन लाभ होने की संभावना है। हेल्थ, दर्द भी हो सकता है, सप्ताह के आखिरी दिन आपकी सेहत के लिए प्ले से थोड़े ठीक रहेंगे। मकर, इन दिनों में आप कुछ नाखुश हो सकते हैं, किसी खास मामले को लेकर टेंशन बनी रहेगी, धैर्य से काम लेना होगा। इन सप्ताह की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव से धन भाव तक जाएगा, सप्ताह के लगभग 4 दिन आपके लिए फालतू खर्चे वाले हो सकते हैं, इन दिनों में आपके दिमाग में नए विचार आते जाएंगे, आपको नए ऑफर्स भी मिल सकते हैं जिनका सीधा संबंध पैसों से है, लेकिन नया काम शुरू ना करें, जो बदलाव हो रहा है उसे स्वीकार करें, बड़े और प्रभावशाली लोगों से मुलाकात हो सकती है, कार्यक्षेत्र की चुनौतियों से निपटने में आप काफी हद तक सफल भी हो सकते हैं, परिवार में किसी के बीमार होने से परेशानी हो सकती है, संतान का सहयोग मिलता रहेगा। लव, इन 7 दिनों में किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो कर दें, लव लाइफ के मामले में आपका समय अच्छा है, करियर ग्लैमर से जुड़े लोगों को मेहनत करनी पड़ सकती है, अन्य फील्ड के स्टूडेंट्स इन दिनों में सावधान रहे। मकर राशि वालों के कार्यक्षेत्र में रुकावटें आ सकती है, डरने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। हेल्थ, इन 7 दिनों में आपको पेट दर्द का सामना करना पड़ सकता है। कुंभ, सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र में किसी विपरीत लिंग वाले साथी का सहयोग मिल सकता है, इस सप्ताह संभल कर काम करना होगा, फालतू खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश करें, कार्यक्षेत्र में सफलता भी मिल सकती है, सप्ताह के बीच के दिनों में आपको अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने का मौका भी मिल सकता है, नजदीकी रिश्तों में मधुरता बढ़ सकती है, लिखित पुरानी चीजें, पत्र, नोट्स आपके लिए बहुत कारगर रहेंगे, आपके कारण साथ के कुछ लोगों में सकारात्मकता बढ़ सकती है, कठोर वाणी आपको मुश्किल में डाल सकती है, गरीब को अन्न का दान करें। लव, इस सप्ताह की शुरुआत में पार्टनर से बात करने में ध्यान रखें, आपके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है,
कठोर वाणी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं। करियर मेडिकल स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। कार्यक्षेत्र और बिजनेस में भी आपको संभल कर काम करना होगा। पधानी का डर भी बना रहेगा। हेल्थ, शरीर में किसी तरह का दर्द हो सकता है। खान पान में सावधानी रखनी होगी। मीन मीन राशि वालों की मुलाकात प्रसिद्ध और बड़े लोगों से हो सकती है। ये 7 दिन किस्मत के मामलों में आपके लिए शुद्ध भी रहेंगे। इन दिनों में जो काम आप करना चाहते हैं उसके लिए थोड़ी तैयारी करके चले। कोई नया काम भी सामने आ सकता है। प्लानिंग से किए गए काम समय से पूरे हो सकते हैं। यात्रा और उच्च शिक्षा की योजनाओं में भी सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आप अपनी साज सज्जा का भी पूरा ध्यान रखें। आमदनी बढ़ने के योग बन रहे हैं। इस सप्ताह करीबी लोगों से फायदा हो सकता है। व्यापारियों को नए कॉन्टैक्ट से फायदा होने के योग है। इस हफ्ते विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। आपको दोस्तों, भाइयों और साथ काम करने वाले कुछ लोगों से सहयोग मिल सकता है। मीन राशि के प्रेमी युगल इन दिनों में अच्छा समय बिताएंगे। बड़े बड़े वादे भी हो सकते हैं। अविवाहित लोगों के लिए समय शुभ है। क्रिया ये हफ्ता आपके लिए सामान्य हो सकता है। स्टूडेंट्स इन दिनों में किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। नए लोगों से जुड़ने पर आपको फायदा होगा। धन लाभ भी हो सकता है। हेल्थ सेहत के मामले में मीन राशि वालों के लिए सप्ताह ठीक ठाक ही रहेगा।